अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हमें ये वॉल क्लॉक बनाना सिखा दें। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। आप मेरे इस ट्यूटोरियल से ना सिर्फ ऐसी वॉल क्लॉक बना सकते हैं बल्कि अपनी मर्जी के कोई भी वॉल क्लॉक बना सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, कैसे बनानी है आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। आपने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है या अपने घर पर लगाना है या किसी कोई नए घर में शिफ्ट हो रहा है आपने उसे गिफ्ट करना है तो उसके लिए ये वॉल क्लॉक बेस्ट है। तो ये रेजिन वॉल क्लॉक बनाने के लिए हमें चाहिए एक्रेलिक्स की ऐसी कटिंग्स। आप चाहें तो ऐसी ले लें या अलग से नंबर्स भी मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं। निडल्स चाहिए, हमें चाहिए ये मास्किंग टेप, क्रश्ड ग्लास, गोल्डन कलर के स्टोन्स, एक्रेलिक्स कलर चाहिए। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स नहीं है तो आप लोग इस तरह के मेटेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कप्स हमें चाहिए, मीका पाउडर चाहिए। मीका पाउडर के नेम्स में यहाँ मेंशन कर रही हूँ, लाजमी नहीं है कि आप यही मीका पाउडर यूज़ करें, आप लोग कोई से भी मीका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर के परमानेंट मार्कर चाहिए। आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं आप ही प्लीज़ ब्रांड बता दें, तो ये ब्रांड है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप यही ले लें, पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादा यही चलते हैं। MDF क्लॉक बेस लेंगे, दो साइजेस हैं मेरे पास, एक 12x12 का है और एक 16x16 का है। बैक से ये कुछ इस तरह से होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग को ये कहीं से भी इजीली मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए ये वॉल क्लॉक की मशीन, ये आप लोग को इजीली मिल जाएगी। इसके साथ ये निडल्स मिलती हैं, हम ये निडल्स तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को एक्रेलिक की निडल्स यूज करनी है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज रेजिन चाहिए हमें। हर वीडियो में बताती हूँ कि रेजिन का काम करने से पहले हमने जहाँ पे भी काम करना है वहाँ ऐसी शीट बिछा लीजिए और ग्लव्स पहन लीजिए, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखिए। तो कस्टमर को चाहिए ऐसी वॉल क्लॉक, तो सबसे पहले हम वॉल क्लॉक की बेस को कलर कर लेंगे। मैं जो साइज यूज कर रही हूँ वो 12x12 है। मैं डायरेक्ट जो है पेंट अप्लाई कर रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले जैसो अप्लाई करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसके बाद पेंट अप्लाई करते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। मैं डायरेक्ट अपने MDF बॉक्स के ऊपर पेंट कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर आनी तो रेजिन ही है ना। और आप पेंट भी अगर रफली करेंगे ना तो भी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने रेजिन के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर रेजिन आ जानी है तो सब कुछ कवर हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखते नहीं है और वही रिपीट क्वेश्चंस आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे होते हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। मैं हर चीज को डिटेल के साथ वीडियो में ही समझा देती हूँ। जो भी चीजें मैं यूज करती हूँ उनका नंबर या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, तो आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। वॉल बेस की साइड पे भी इस तरह हम एक्रेलिक पेंट कर लेंगे। ये स्टेप जरूरी नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें वॉल के पीछे आ जानी है, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं बेहतर है ये छोटी छोटी डिटेलिंग आप कर लें, अच्छा लगता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स दिखाने और बताने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी वीडियो ज्यादातर बिगनर्स देखते हैं तो उनको ये सारे स्टेप्स प्रॉपरली आने चाहिए। मुझे आप लोग की एक एडवाइस भी चाहिए थी, जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बिगनर्स के लिए, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उन क्लासेस के अंदर क्या क्या हो, अपने पॉइंट्स को आप लोग कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बस रिप्लाई देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं पेंट को ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, आप लोग इसको प्रॉपरली सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। जब पेंट ड्राई हो जाएगा तो हम मास्किंग टेप की हेल्प से इस तरह मास्किंग टेप को लगा लेंगे। आप कोशिश करिएगा चौड़ी वाली मास्किंग टेप अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग वो यूज कर लीजिएगा। मेरे पास इस साइज की मास्किंग टेप थी तो मैं ये यूज कर रही हूँ। मास्किंग टेप को आपने इस तरह अप्लाई करना है कि वो 1/2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा हो। 1/2 इंच एक्स्ट्रा होगा, हमने उसके अंदर ही रेजिन का काम करना है, तो मास्किंग टेप से हमें सपोर्ट मिल जाएगी, हमारा रेजिन का काम जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा ना वो साइडों पे गिरेगा। कुछ लोग होते हैं जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं वो मास्किंग टेप नहीं लगाते, लेकिन मेरी वीडियो ज्यादातर बिगनर्स के लिए होती है तो मैं मास्किंग टेप को यहाँ यूज कर रही हूँ ताकि आप लोग इजीली ये वॉल क्लॉक बना सके। रेजिन वर्क एक ऐसा काम है जो हर कोई कर सकता है और यकीन करें ये काम करने में मजा भी बहुत आता है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ही क्या रेजिन का आगे कोई स्कोप है या ट्रेंड है, तो जी हाँ रेजिन का आगे बहुत ज्यादा स्कोप है और इसी वजह से आप लोग भी मेरी वीडियो पे हैं। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और एक और बात बताऊं, रेजिन का काम कभी भी सीखने से नहीं आता, जब तक आप लोग खुद हाथ पांव नहीं मारेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप लोग कभी भी प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते। बहुत से लोग इस डर से करते ही नहीं है कि पता नहीं हम लोग कैसे बना पाएंगे, अच्छा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो आप
लोग ट्राई तो करें, जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा ना आप अच्छा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने हाफ इंच की टेप को एक्स्ट्रा रखा है। हम लोग कर लेते हैं रेजिन को तैयार। रेजिन को तैयार कैसे करते हैं उसका रेशो और मेजरमेंट मैं बहुत बार पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। पार्ट ए को 2:1 में लेते हैं और पार्ट बी को 1:1 में लेते हैं, यानी हमने लेनी है रेजिन 100 ग्राम और हार्डनर लेना है हमने 50 ग्राम। अब अगर किसी के पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो वो क्या करे, तो वो 1 कप ले सकता है रेजिन का और 1/2 कप ले सकता है हार्डनर का। तो इस तरह भी आप लोग अपनी रेजिन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग मेजरिंग स्केल ले लें क्योंकि ये आगे भी आप लोग के बहुत काम आएगा। बेकिंग में भी काम आ सकता है क्योंकि बेकिंग की चीज़ों को भी मेजर किए बगैर आप बेक नहीं कर सकते। खैर, तो इस तरह मैं रेजिन को कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने का तरीका भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। रेजिन को हमेशा स्लोली स्लोली मिक्स करते हैं वरना उसमें बबल आ जाते हैं और वो क्रिस्टल वाइट भी नहीं रहती। अच्छा, मुझे किसी ने ना कमेंट किया था कि उनकी रेजिन 3 दिन से ड्राई नहीं हो रही और जबकि उन्होंने एक्यूरेट मेजरिंग की हुई है वो भी मेजर मशीन से। इसमें ना 2 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, एक ये कि आपकी मिक्सिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और दूसरा ये कि आपने जो ना हार्डनर की जगह रेजिन को ही ऐड कर दिया। वैसे तो मैंने उसी वक्त उनको कमेंट ही आंसर दे दिया था। आप लोग को बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है ना ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप लोग अपने एक डायरी बनाएं जिसमें आप लोग ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लिया करें। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया था कि थोड़ी सी रेजिन को प्लास्टिक के कप में सेपरेट कर लिया था। बाकी जो रेजिन बची थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड किया था और उसको मिक्स किया था, लेकिन जिस तरह का कलर मैं चाह रही थी वैसा कलर वो नहीं आया, तो मैं उसके अंदर ये थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। कलर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये ना हो कलर अच्छी तरीके से मिक्स हुआ ना हो और आप इसे अप्लाई कर दें अपनी बेस के ऊपर। कलर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पोर कर देंगे अपनी बेस के ऊपर। वुडन स्टिक, जिसे हम लोग आइसक्रीम स्टिक भी कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे फैला देंगे। समझ गए आप लोग हमने क्या करना है, वो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, आप लोग ने एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप लोग की वॉल बेस के अंदर होल है, जो सेंटर में होल होता है, तो आप लोग ने सबसे पहले वहाँ पे मास्किंग टेप अप्लाई कर लेनी है, वरना क्या होगा कि आपकी रेजिन उस होल में से नीचे चली जाएगी। मास्किंग टेप आपने वहाँ अप्लाई नहीं करनी जहाँ हमने रेजिन का काम करना है, आप लोग ने नीचे की साइड पे मास्किंग टेप को अप्लाई करना है। अब यहाँ मैं हीट गन का यूज कर रही हूँ ताकि रेजिन के अंदर जितने भी बबल्स हैं वो खत्म हो जाएं। अगर आप लोग के पास अब हीट गन नहीं है तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, आप लोग यूज़ कर सकते हैं बबल बिस्टर, एक स्प्रे आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप लाइटर की हेल्प से भी बबल को पॉपअप कर सकते हैं। हीट गन यूज़ करने के बाद ये कुछ फाइनल इसकी शक्ल निकली है। अब इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डालने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लोकल फ्लोटिंग पाउडर, जो कि आपको इजीली हीरा फाइन आर्ट पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। जो थोड़ी सी रेजिन हमने कप में डाल के साइड पे रखी थी उसके अंदर मैंने डाला है फ्लोटिंग पाउडर, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लोटिंग पाउडर रेजिन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। प्लास्टिक कप की इस तरह से नोक बना लेंगे और जिस तरह से भी आपका दिल चाहता है ना उस तरह से आप इस पे लाइनिंग्स डाल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जिस तरह मैं यहाँ डाल रही हूँ आपने भी सेम वैसे ही डाली है, आप अपनी मर्जी से जैसे दिल चाहे वैसे लाइंस डाल सकते हैं। यहाँ मेरे प्लास्टिक कप की नोक अच्छी नहीं बनी थी जिस वजह से वो स्मूथली नहीं गिरा था, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हीट गन से आखिर में इसको इफेक्ट्स दूंगी, लाइनिंग नहीं दूंगी। अगर आप लोग ने लाइनिंग देनी है तो आप लोग को फिर ये स्मूथली लाइनिंग्स डालनी पड़ेंगी। हाँ, मैं हीट गन की हेल्प से इसमें इफेक्ट्स डाल रही हूँ, पर आपने परेशान नहीं होना, हीट गन नहीं है तो आप हेयर ड्रायर का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ। और अगर हेयर ड्रायर और हीट गन भी नहीं है तो आप लोग इस तरह स्ट्रॉ की हेल्प से भी इस पर इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन अभी हीट गन चलने की वजह से रेजिन थोड़ी हार्ड हो गई है, इस वजह से ये इस तरह से कर रहा है। लेकिन जब आप फ्लोटिंग पाउडर डालें तो आप फौरन ही स्ट्रॉ की हेल्प से इस तरह इफेक्ट्स दे सकते हैं। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है ना वो कभी भी परेशान होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती ही रहती हैं। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरे चैनल पे आपको मिक्स कंटेंट मिलता है, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो या व्लॉगिंग, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और इस वीडियो पे कितने लाइक का टारगेट सेट करें, 1.5K
चलें 1.5 की लाइक आप इस वीडियो पे कर दें फटाफट से। मुझे पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो आप फटाफट से लाइक कर दें। तो यहाँ मैंने इसके अंदर इफेक्ट्स दे दिए हैं। ये जो धुएं आपको दिख रहे हैं, ये हीट गन की वजह से आए हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ये सारा प्रोसेस आपके सामने किया है। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे इसमें पिकॉक के इफेक्ट्स आए हैं। मास्किंग टेप जो हमने अप्लाई की थी उसकी वजह से इसकी साइड्स बिल्कुल सेफ है, और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था वो इसी वजह से रखा था कि रेजिन का काम हम इजीली उसके अंदर कर सकें। सॉरी 1 इंच कह रही हूँ, 1/2 इंच तक हमने रखा था। मुझे तो ये वॉल क्लॉक ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम इसे बनाएंगे। मैं यहाँ एंगल ढूंढ रही हूँ कि किसी एंगल से आपको दिखा सकूँ ये कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि जो मुझे आँखों से दिख रहा था ना वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था। और जब आप खुद भी बनाएंगे ना तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि कैमरे में वैसा बिल्कुल शो नहीं हो रहा जैसा आपको आंखों से दिख रहा है। बिलीव मी ये बहुत प्यारी लग रही है। आप जब भी ये ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी टैग कीजिएगा। इका हैप्पीनेस और हैप्पीनेस आर्ट स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। यहाँ मैंने अंदाजन सेंटर में टूथपिक लगा दी है ताकि जब मैं ड्रिल मशीन से इसमें होल करूँ तो मुझे आसानी हो। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने ये ड्रिल मशीन कहाँ से ली, तो ये मैंने दराज से ली थी। लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं आपके साथ मेंशन कर दूंगी। मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाई थी तो मुश्किल है मुझे लिंक मिल जाए। रेजिन जो है वो 50% ड्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरी एक्रेलिक की कटिंग है वो मैं अंदाजे से ऐसे सेंटर में रख रही हूँ। देखें हमारा ये काम है, हमें ये कर करके आ गया है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप हमेशा ऐसा काम करने से पहले एक बार लाजमी मेजर कर लीजिएगा। मेजर आपने इस तरह से करना है कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। और जब आप लोग का ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में होगा तो आप इस तरह फिंगर की हेल्प से इसे प्रेस कर सकते हैं ताकि ये रेजिन के अंदर फिक्स हो जाए। प्रॉपर फिक्स तो नहीं होगा क्योंकि ये 50% ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत फिक्स हो जाएगा। इस वॉल की साइड पे मुझे लगाने हैं क्रश ग्लास। जो मेरे पास क्रश ग्लास थे वो थोड़े मोटे मोटे थे, तो मैं इस तरह उनको थोड़ा सा चॉप कर लूंगी। फाइनल लेयर के लिए हम रेजिन को रेडी कर लेंगे। वही रेशो रहेगा जो हमने पहले लिया था, 100/50। पार्ट ए यानी रेजिन का रेशो लेंगे हम 100, और पार्ट बी यानी हार्डनर का रेशो लेंगे हम 50। रेजिन को जैसे मैंने पहले मिक्स किया था सेम वैसे ही अभी मैंने मिक्स किया है, इसलिए मैंने वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया। रेजिन को मिक्स करने के बाद थोड़ी सी रेजिन मैं अलग प्लास्टिक कप में निकाल लूंगी, उसके अंदर इस तरह कलर ऐड कर दूंगी। पहली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम क्रश ग्लास को स्प्रे पेंट की हेल्प से कलर कर सकते हैं, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम रेजिन के साथ क्रश ग्लास को कलर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। जो न्यू लोग हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने क्रश ग्लास को स्प्रे पेंट किया था। रेजिन के अंदर हम इस तरह से क्रश ग्लास को डाल देंगे। अब वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह हम इसे मिक्स करेंगे। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर हमारी रेजिन बच जाए तो क्या हम उसे फाइनल लेयर तक के लिए सेव कर सकते हैं। तो देखें हमें फाइनल लेयर देनी होती है 24 आवर्स बाद, तो आप किसी भी रेजिन को 24 आवर्स तक सेफ नहीं कर सकते। ऐसी मिस्टेक्स अक्सर हमसे भी हो जाती है और ये मिस्टेक होना कॉमन है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बुक मार्क, अल्फाबेट और पेन और ऐसे छोटे छोटे जो मोल्ड्स होते हैं ना वो आप परचेज करके रख सकते हैं। आपकी रेजिन अगर थोड़ी सी बच गई है बाय मिस्टेक तो आप वहाँ उनको यूज कर सकते हैं। ऐसी रेजिन वेस्ट भी नहीं होगी, और जिसके लिए आप कीचेन बनाएंगे या पेन बनाएंगे वो भी बहुत खुश हो जाएगा, या घी जिसे भी आप देना चाहेंगे। क्रश ग्लास को हमने रेजिन से कोट कर लिया था, वो आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से किया था। सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप भी क्रश ग्लास को रेजिन से कोट कर सकते हैं। क्लॉक की जो साइड्स हैं उसके ऊपर मैं इस तरह से क्रश ग्लास को रख दूंगी। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो एक्रेलिक के ऊपर शीट चढ़ी हुई होती है ट्रांसपेरेंट, वो आपने रिमूव नहीं करनी, क्योंकि क्रश ग्लास के ऊपर रेजिन का कोट है तो वो एक्रेलिक के ऊपर भी लग सकता है। ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि उसे क्रश ग्लास चाहिए था, लाजमी नहीं है कि आप भी यहाँ क्रश ग्लास ही लगाएं। आप यहाँ पे बहुत प्यारे मोती लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं, बीड्स लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप वो यहाँ लगा सकते हैं। क्रश ग्लास के ऊपर मैं लगा रही हूँ गोल्डन कलर के स्टोन्स। अब जो एक्रेलिक के ऊपर शीट लगी हुई होती है ट्रांसपेरेंट, मैं उसको रिमूव कर दूंगी। आपने इसे बहुत केयरफुली रिमूव करना है ताकि ये अपनी जगह से हिल ना जाए एक्रेलिक।
फिंगर की हेल्प से या स्ट्रॉ की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसे दोबारा ऐसे सेट कर सकते हैं। तो अब बनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है, प्लीज से माशाल्लाह। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो फाइनल लेयर हमने रेजिन की इसके ऊपर डालनी है, तब डालनी है जब हमारी रेजिन 80% ड्राई हो गई। जब मेरी रेजिन 50% ड्राई थी तब मैंने ये सारा काम किया, काम करते करते मेरी रेजिन ड्राई हो गई 90% ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फाइनल लेयर। आप इसे कम्प्लीट ड्राई करके भी फाइनल लेयर डाल सकते हैं। रेजिन को आपने क्रश ग्लास के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर हर जगह अच्छी तरह से पोर करना है। कप की आप नोक निकाल लें और रेजिन को आप इस तरह स्टोन्स के ऊपर डालते रहें। जिस भी टेबल के ऊपर या कहीं पे भी आप ये काम कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना है कि वो इक्वल हो, बैलेंस हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम फाइनल लेयर डाल के उसको ड्राई कर लेते हैं और हम देखते हैं हमारा टेबल तो एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचा था, और रेजिन एक तरफ ज्यादा हो गई एक तरफ कम हो गई। तो ऐसी मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। वुडन स्टिक यानी आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से हम वहाँ वहाँ रेजिन को डालते रहेंगे जहाँ हमें लग रहा होगा कि रेजिन यहाँ कम है। हीट गन की हेल्प से हम रेजिन के सारे बबल्स को पॉप अप कर देंगे। बता चुकी हूँ अगर हीट गन नहीं है तो आप लाइटर से भी बबल्स को पॉप अप कर सकते हैं, लेकिन लाइटर से ना वो मजा नहीं आता जो हीट गन से एक ही बारी में बहुत सारे जो बबल्स होते हैं ना वो पॉप अप हो जाते हैं। फाइनल लेयर के बाद दोबारा मैं ऐसे सेंटर में टूथपिक लगा लूंगी ताकि बाद में होल करने में मुझे आसानी हो। अब इस खूबसूरत सी रेजिन वॉल क्लॉक को हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि रेजिन को एयर ड्राई करते हैं या उसे हीट दे के ड्राई किया जाता है। तो इसका जवाब है, रेजिन को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ड्राई किया जाता है 24 आवर्स के लिए। अब मैं भी आपसे मिलती हूँ 24 आवर्स के बाद। हाँ जी, तो 24 आवर्स हो चुके हैं, हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब जो इसके ऊपर हमने मास्किंग टेप लगाई थी हम उसे रिमूव कर लेंगे। जब ये रिमूव हो रहा है मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मंथ्स दे विल गेट येलो आफ्टर यूजिंग। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अच्छी क्वालिटी की रेजिन, मतलब कि जो आर्ट रेजिन होती है वो यूज करेंगे और परफेक्ट मेजरिंग रखेंगे, देन इट विल नॉट टर्न येलो। मास्किंग टेप की वैसे आप देख सकते हैं हमारी साइड पे रेजिन नहीं आई है। अगर बाय चांस आ भी जाती है तो आप रेजिन को थोड़ा सा हीट देंगे ना और उसको कटर की हेल्प से साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगी। उसके बाद मैंने ड्रिल मशीन की हेल्प से सेंटर में कर लिया होल। अगर आप होल नहीं कर सकते तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। मशीन को मैंने यहाँ सेट कर लिया है, नीडल्स लगा ली है। और टिप मैं आपको दे दूं, अगर आप अपने किसी कस्टमर को दे रहे हैं या किसी को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं तो हमेशा इसके अंदर बैटरी लगा के दें। बैटरी मतलब जो सेल होता है, जो सेल आपको दिख रहा है वो आप लगा के दें, इससे अच्छा लगता है। और जी बस ये हमारी घड़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आप लोग को ये बनाना सिखाया है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है, निका हैप्पीनेस को भी आपने टैग करना है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो निका हैप्पीनेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूं, आप वहां जाके ये बाय कर सकते हैं। हाँ, मुझे वॉल की साइड्स जो है वो थोड़ी सी अनफिनिश लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी, तो अब मैं उनको यहाँ पेंट कर रही हूँ। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप मैचिंग की हर चीज को कर दें। वॉल क्लॉक को वॉल पे लगाने के लिए हमें वहाँ हुक भी लगाना पड़ता है, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ हुक। और हर चीज डन करने के बाद हमारी फाइनली यहाँ वॉच तैयार हो चुकी है, वॉच कह रही हूँ, क्लॉक तैयार हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सारा काम यही कर रही है।